हे गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और आज का जो प्लान है बहुत ही गजब का होने वाला है यार। आज अपन लोगों का जो ट्रिप होगा दिन का, आज जहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं वो यहाँ मलाड वेस्ट में है, मतलब यहाँ पे एकदम पास में ही है, करीब 20-25 मिनट का रास्ता है मड आइलैंड। तो सब लोग जाने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, चलते हैं फिर आज साथ में। चलिए, थोड़ा पूल वूल खेल रहे थे अभी, जस्ट सुबह सो के उठे हैं, कहीं रात में लंबा पार्टी वार्टी किया सब लोग और अभी ही उठे, तो चलते हैं। तो अभी जो है सब लोग तैयारी कर रहे हैं निकलने की यहाँ से, और उधर भैया अपना पूल खेल रहे हैं और पापा लोग कपड़ा रखे हैं दो, कहे कि उधर एक रिजॉर्ट है शायद बुक किया है, तो उसमें जो है पूल है यार, तो अब जान ही रहे हो जब हम लोगों को पूल मिल जाता है तो क्या ही होता है। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। क्या मिल गया? दो तो कम से कम रख लीजिएगा आप। दो नहीं, हम तीन चार जो रखेंगे। निकलने नहीं देंगे आज आपको बाहर पूल से। ये लो। देखते हैं और क्या हो रहा है। अरे श्री, इसको वापस अंदर करो। और इधर उफा जी हैं, न्यूज लगाए हुए हैं। इधर गाड़ियां खड़ी है अपनी, ये अपनी सिटी। यो कौन गाइज, ये विजय वर्मा मिर्जापुर 2 के बड़े और छोटे। तो गाइज आए थे मड आइलैंड, पर इतना ज्यादा गंदा यार, मतलब बहुत गंदा करके रखा है। आते ही हम लोग लौट गए और अरे इतनी स्मेल आ रही थी कि मतलब हवा खराब हो गई भाई। स्मेल मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा था यार, मतलब पूरा एकदम पन्नी चुना सब भाई, इधर उधर पॉटी पड़ी हुई है, छी यार छी एकदम। लेकिन हम लोग उधर गए तो उधर हम लोगों ने देखा शूटिंग चल रही थी मिर्जापुर 3 की, पर अब हम लोग यहाँ से निकल के कहीं और जा रहे हैं, तो चलिए जहाँ चलते हैं वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। वो बढ़िया ली आ रही है ये। गाइज ये है अक्सा बीच, और जहाँ पे हम लोग आए, हम लोगों को आना यहाँ पे था, हम लोग अलग चले गए, पर भाई बहुत गंदा था यार। सब लोग ऐसे नाक दबा के वापस आए, नाक दबा के बता रहा हूँ, मतलब यार थोड़ा साफ सफाई रखनी चाहिए। हम लोग यार नहीं जानते थे उस बीच के बारे में, नहीं थे एकदम, मतलब पहुंचे तो हवा खराब हो गई देख के यार, मतलब इतना टाइम नहीं मिला कि वहां की रिकॉर्डिंग करके। अरे तुम लोग घूमे भागे बस, पूरा मस्ती कर रही हो तुम लोग यार, श्री को बेल कियो यार सही में। हम और मम्मी जा रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। हम लोग भाई तो गहरा होता जा रहा है यार। वाटरप्रूफ है भैया, ये तो कहो फोन वाटरप्रूफ है भाई। ए ओ अरे समुद्र की गहराई ना आपने जाने, मुझको छोड़ के। ओ भाई साहब मजा आ रही है ना भाई साहब, लहरों रे भाई, कुछ नहीं तो 8-8, 9-9 फीट से ऊपर की है। अरे आइए ना, अरे अंदर तो आइए मौसी, कैसा लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? दो दो लोग पकड़ के खड़े भाई साहब। ओ ये तो गाइस पूरा नमकीन हो गया भाई समुद्र में ना के, बहुत मजा आया। अभी थोड़ा सा यार मुंह में कान में किस किस छेद में काक आ गया पता नहीं, बाकी यहाँ से निकल रहे हैं, अब चलेंगे सामने रिजॉर्ट है, उधर शायद रूम लिया है कुछ तो ऐसा है, तो वहाँ चलेंगे, पहले नाश्ता करेंगे, सॉरी लंच करेंगे, नाश्ता तो हो चुका है, फिर उसके बाद भाई पूल है वहाँ पे। घर अरे यहाँ घर नहीं बनाया यार अभी, तो एक और चीज आ गई, पहले घर बनेगा उसके बाद यहाँ से चलेंगे रिजॉर्ट की तरफ। पूल है भाई, पूल पड़े रहेंगे यही पे। शिट यार तुम तो देखो तो मत करो यार, भाग दे
टी शर्ट कैमरे में दिखा दो क्या हुआ है, लोग देख ले भैया की क्या रास्ता। नहीं ये उमेश जी की टी शर्ट है और ये हमारे भैया की है, देख रहे हो यार मतलब तुम... अबे लग रही है यार, अबे लग जाएगी। हे पापा को, पापा को। कहाँ ओम शांति चल रहा है? अच्छा ओम ओम नमः शिवाय। मेरा गड्ढा, ये मैंने गड्ढा खोदा था भर गया। गाइस यूपी वाला नहा रहा है समुद्र में, शिवजी माता जी पीछे पीछे खड़ी हैं क्योंकि जानती हैं अभी भी वो छोटा ही है यूपी वाला। सबको डांट डांट के बुलाया करती हूँ, जल्दी आओ अंदर बाहर निकलो। हाँ चलिए चला यार, अब थोड़ा साफ पानी से नहाएंगे नहीं तो सब भाई खुजली हो जाएगी यार। एक्चुअली हुआ क्या, जीन्स पहन के एक दिन आ गया था, तो अगर 5-6 घंटे लगातार जीन्स पहनो तो यार लड़के समझ सकते हैं क्या क्या होता है नीचे, तो हो गया और नमक लग रहा है भाई। चलो यहाँ से भाई गर्म पानी है यार, मजा आ रहा है। वाटर गेम चल रहा है ये पापा जी। ओहो पापा लाइए मारी 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 गोल 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 ये 2-1। सर मम्मी मौसी ए कौ आ जाओ श्री। अरे 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 यही कराएगी मुझको वायरल, इसी की वजह से मेरा धंधा चमकेगा। क्या ये श्री? तो पहले कुछ पेट पूजा करते हैं फिर। ये देखो सैंडविच चल रहा है इधर। बीच पे आए, मस्ती किया आप लोगों ने देखा, और उधर दद्दा त्यागी के सुपुत्र जी भी मिल गए। खैर इधर हम लोग अपना रिजॉर्ट में आए, स्विमिंग किए कस के, पानी में खूब वाटर गेम खेले स्विमिंग पूल में, खूब मजा आई। शाम का समय, अब हम लोग इधर से निकलेंगे घर वापस। तो इधर अपना फोटो सेशन चल रहा है, एक दो फोटोज़ मैं आपको शेयर करूँगा इन लोगों की। तो चलिए वापस घर चलते हैं। तो बताओ कहाँ जा रहे हो? चली नहीं रही, कहाँ जाएगी? नहीं चल रही है, नहीं उल्टा चल रही है ये तो। अब उल्टा पंचर हो गए। हाँ यार पंचर है, क्या हुआ है? अरे ये कहाँ घुस गया यार, ये देखो कांटा घुस गया पैर में, टूट भी गया, घुस के अंदर टूट गया बाहर। चलो अच्छा वहां से मस्ती किया बीच पे, स्विमिंग किया पूल में, फिर थोड़ा घर आए, थोड़ा सा साफ सुथरा हो गया, जब थोड़ा आराम किया, चाय वाय का एक घूंट लगा के थोड़ा सा आ गया शॉपिंग करने, तो कुछ सामान उठाना, चलिए चलते हैं। गाइस अभी आए हुए हम लोग लुइस फिलिप में, यहाँ पे एक पापा ने ब्लेज़र लिया था तो हम लोगों ने वो ब्लेज़र कुछ काम था इसमें हो गया। ठीक थैंक यू। भैया लोग कपड़ा देख रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी एक ले लूँ, तो बताइएगा कैसी लग रही है। ठीक लगी थोड़ा सा है ना, तो एक मैंने भी मार दिया। गया तो शुरू हो गया, क्या बात तो काम ही है ये, इसमें फसाना तो ही है। देख रहे हो उधर वो देखो, चलो मैं जा रहा हूँ देखने किचन में क्या चल रहा है। स्पेशल बना रहे हैं लोग भाई, देखते हैं। देखते हैं क्या हो रहा उधर। क्या बन रहा है?
दाल बाटी। और तुम्हें भीग गए ना गर्मी में, बाप रे। दाल बाटी बन रही है अभी, मेरा भैया और शायद अब नहीं बोलोगे तो मेरा तो अरे नहीं कल रात से इसका जो है तकिया कलाम है ना। हाँ क्या जी भैया, कल रात से मैं इसको इतना जी भैया बोल रहा हूँ। सारे लोग बोल रहे हैं। अरे तो मैं जी खाऊंगी यहाँ शायद खाई। तो यार इधर बाटी बन रही है, चोखा कहाँ है यार? अच्छा ये चोखे का काम शुरू है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, अभी तैयार होगा फिर हम लोग निपटाएंगे इसको। आ गई अपनी बाटी चोखा। बबली अगर चोखा में नमक डाल दे दाल में तो ऐसे रहेगा। चोखे में नमक कम है? खुद ही बनाई हो तो कौन डाला? मैंने सर बताया कि ऐसे से बनाओ। छोटा रसोईया है नमक कम हो गया। तो गाइस इसको खाते हैं।